16 जिलों में लॉकडाउन कर दिया गया है, उसमें एक जिला आजमगढ़ भी शामिल है जहां लॉकडाउन किया गया है। इस लॉकडाउन के दौरान किन बातों का ध्यान जनता को रखना है, इस बात को जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से बताया। वहीं यह भी देखा गया कि काफी लोग इस लॉकडाउन को नजरअंदाज कर रहे हैं। इन लोगों पर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए डीएम ने निर्देश दिए। वहीं बीमार और बहुत ही जरूरी काम में आवाजाही करने वाले लोगों को कुछ हिदायत के साथ छोड़ दिया गया। डीएम आजमगढ़ ने बताया कि आदेश को उल्लंघन पर धारा 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद एसपी आजमगढ़ ने भी वायरलेस के माध्यम से जनपद पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इमरजेंसी सेवाओं के अलावा सभी दुकान प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, सार्वजनिक परिवहन भी बंद है, अनावश्यक व्यक्तिगत परिवहन भी बंद है। अगर कोई व्यक्ति किसी इमरजेंसी के काम में वाहन की सुविधा की आवश्यकता समझता है तो उसके लिए 102, 108, 112 की सुविधा भी दी जा सकती है, और विशेष परिस्थितियों में उसे कोई लघु वाहन न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या के साथ अनुमति हो सकती है।